गिरिडीह शहर के IMS रोड में अवस्थित चिल्ड्रन पार्क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। रात में यहां और सामाजिक तत्वों का जामवाड़ा लगता है, वहीं दिन में यहां पशुओं का चारागाह बन गया है। झारखंड सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन गिरिडीह में सत्ताधारी विधायक के होने के बावजूद भी इस पार्क की दशा बदतर बनी हुई है। हालांकि शहर के जाने माने सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने व्यापक जनहित में एक बार फिर गिरिडीह शहरी क्षेत्र के IMS रोड में अवस्थित चिल्ड्रन पार्क के जीर्णोद्धार के संबंध में सरकार को एक पत्र भेजा है। श्री खंडेलवाल ने अपने इस पत्र में कहा है कि इस पार्क का निर्माण कार्य 2018 में समाप्त हुआ था एवं इसके रख रखाव की जिम्मेवारी श्री गणेश अग्रवाल उर्फ डब्बू अग्रवाल को श्रीमती विजया यादव तत्कालीन नगर आयुक्त के द्वारा दी गई थी। जब तक इस पार्क की देखरेख की जिम्मेवारी डब्बू अग्रवाल के पास थी, तब तक यह पार्क बिल्कुल चकाचक था तथा लोग इस पार्क का उपयोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, कसरत, व्यायाम सहित बच्चों को सैर सपाटा कराने में उपयोग में लाते थे तथा आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 4 वर्षों से इस पार्क का रख रखाव गिरिडीह नगर निगम के अधीन आ गया है, जिसके कारण इस चिल्ड्रन पार्क की स्थिति दिन प्रतिदिन जीर्ण शीर्ण होती जा रही एवं वर्तमान में यह पार्क जंगल में परिवर्तित हो चुका है एवं यह आवारा पशुओं के चारागाह के रूप में उपयोग में आ रहा है तथा गिरिडीह शहरी क्षेत्र की जनता इस पार्क का लाभ लेने में असमर्थ हो गई है, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्री खंडेलवाल ने व्यापक जनहित में सरकार से निवेदन किया है कि इस चिल्ड्रन पार्क का जीर्णोद्धार अविलंब कराया जाए ताकि लगभग 1 करोड़ की राशि से बनाए गए इस पार्क का लाभ लोगों को मिल पाए। श्री खंडेलवाल के इस पत्र को मोहम्मद आसिफ हसन, उप सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड राज्य को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसरित कर दिया गया है, जिसके लिए श्री खंडेलवाल ने सरकार का आभार प्रकट किया है तथा आशा व्यक्त की है कि जल्द ही इस पार्क का जीर्णोद्धार व्यापक जनहित में करा लिया जाएगा। IMS रोड में बनाए गए चिल्ड्रेन पार्क की अवस्था काफी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। इस पार्क का निर्माण वर्ष 2018 में अमृत योजना के तहत कराया गया था, जिसकी अनुमानित राशि लगभग 1 करोड़ रुपये थी। जब इस पार्क का निर्माण कराया गया, उसके बाद इसकी देखरेख की जिम्मेवारी श्री गणेश अग्रवाल उर्फ डब्बू अग्रवाल को दी गई थी और जब तक यह पार्क उनके अधीन था, उन्होंने इस पार्क को काफ़ी डेवलप किया था और लोगों को इस पार्क का काफ़ी लाभ मिल रहा था। क्षेत्र के लोग सुबह शाम टहलने जाते थे, बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए थे, मॉर्निंग वॉक में जाने के बाद वहाँ पर कुछ साजो सामान रखे गए थे, जिससे कि लोग अपना व्यायाम वगैरह का काम करते थे। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 3-4 वर्षों से इस पार्क की स्थिति बद से बदतर होती चली गई है और अभी यह पार्क विशुद्ध रूप से एक जंगल में परिवर्तित हो गया है। जब इस संबंध में मैंने श्री गणेश अग्रवाल उर्फ डब्बू अग्रवाल से जानकारी की, तो उन्होंने बताया कि तत्कालीन नगर आयुक्त श्रीमती विजया यादव जी के द्वारा उनको इस पार्क को डेवलप करने का जिम्मा दिया गया था और उन्होंने लगभग 7 से 8 लाख रुपया की धनराशि व्यय कर इस पार्क को लोगों की सुविधा के लिए डेवलप कराया था और इसका संचालन वो काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे थे। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने बताया कि इस पार्क को नगर निगम ने अपने अधीन कर लिया और श्रीमती विजया यादव जी का स्थानांतरण होने के बाद उनकी कोई भी सुनवाई विभाग में नहीं की गई, उनसे पार्क क्यों लिया गया इस संबंध में भी कुछ लिखित नहीं दिया गया। जब श्री डब्बू अग्रवाल के द्वारा नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त श्री गणेश कुमार से संपर्क करके उनसे कहा गया, तो उन्होंने भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण पार्क की स्थिति बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है। अब लगता ही नहीं है कि वहाँ पर कोई पार्क था, यह गाय भैंसों के चरवाहे का जगह बन गया है
और असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा यहाँ पर रात को रहता है, जिससे कि लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो व्यापक जनहित में मैंने इस मामले को सरकार के समक्ष उठाया है, जिसके आलोक में मुझे सरकार के द्वारा सूचित किया गया है कि मामले को उप सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी संबंधित पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस ओर आवश्यक कार्रवाई करें और पार्क को डेवलप कर इसका जीर्णोद्धार कर उचित कार्रवाई करें, ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके एवं जनता की गाढ़ी कमाई के रूप में दिए गए पैसों का इस तरह से दुरुपयोग ना हो।